ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकर्तृभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रेयर्स बाय लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की स्तुति फॉर कृष्ण। श्री ब्रह्मो उवाच, कैंटो 10 चैप्टर 14 टेक्स्ट 1। नौमिद्यते भ्रावपुषे तदिद अंबराय गुंजावतम स परिपिच्छा लसन मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रा विशानवेनु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पुष्पं पुष्पा अंगा जाया। हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए ही स्तुति की जानी चाहिए। आपके दिव्य शरीर का रंग गहरा नीला है, वस्त्र बिजली के समान है पीताम्बर जो आप पहनते हैं, जो रेशम का जो पीताम्बर आप पहनते हैं उसकी चमक इतनी है, वो बिल्कुल बिजली के समान लग रही है। आपके चेहरे की ब्यूटी, आपके चेहरे का जो सौंदर्य है, वो आपके गुंजा के जो इयररिंग्स आपने पहन रखे हैं और सर पर जो मोरपंख का मुकुट पहना है उससे और भी ज़्यादा आपका सौंदर्य बढ़ रहा है। आपने गले में जो फॉरेस्ट फ्लावर्स, जो वनों में मिलने वाले जो फूल हैं, उनकी जो मालाएं आपने पहन रखी हैं अलग अलग तरह की, उस माला के कारण भी आपकी ब्यूटी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और आपके एक हाथ में लकुटी है गायों को हाँकने के लिए, और आपने अपने कमर में बफेलो हॉर्न का बुगल फंसा कर रखा है। बुगल यानी जो बफेलो का जो सिंग होता है, जो उसका हॉर्न होता है, उसका बुगल बनाते हैं और फिर उसको लाउड स्पीकर की तरह यूज़ करते थे बच्चे वनों में एक दूसरे को ढूंढने के लिए, वो आपने अपने कमर में फंसा रखा है। और आपने अपनी बंसी भी अपने कमर में एक रखी है, और ये सब के साथ आपने अपने हाथों में एक कवल चावल और दही का पकड़ रखा है, जिसके कारण आपका सौंदर्य सबसे ज़्यादा बढ़ा रहा है आपके सौंदर्य को। ब्रह्मा जब मोहित हो गए थे तो कृष्ण एक साल से खुद को ही चरा रहे थे, खुद के साथ ही खेल रहे थे। वही लकुटी थे, वही वस्त्र थे, वही खाने की पोटली थे, सब कुछ बस भगवान थे, भगवान ही भगवान थे। जब ब्रह्मा जब वापस आते हैं तो नहीं समझ पाते हैं कि असली कौन है, वो जिन्हें छुड़ाया था, वो जो अभी सामने है। जब उस कन्फ्यूजन में होते हैं तब उन्हें सब में चतुर्भुज विष्णु नज़र आते हैं, और फिर कृष्ण उन पर अनुकंपा करते हैं और अपने द्विभुजा रूप दिखाते हैं, क्योंकि कृष्ण का जो ये द्विभुजा रूप है वो सबसे ज़्यादा दुर्लभ है और ये सिर्फ भक्तों को ही अच्छा लगता है। उनका ये स्वरूप सिर्फ भक्ति ही समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा रहस्यमयी है। तब वो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं ब्रह्मा जी, और रोते भी हैं, उनके आँखों में आंसू भी है, खुशी के भी और दुख के, इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ ऐसा छल किया। उनके मन में ग्लानि है कि उन्होंने गौ को चुराया, और खुशी इस बात की कि उन्हें भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। और फिर वो भगवान को प्रणाम करते हैं, और उनके चार शीश हैं तो वो कैसे प्रणाम करेंगे, वो लोटपोट होकर हर तरफ जा जाकर भगवान को लोट के भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही स्तुति और प्रशंसा करने के लायक हैं, आपकी ही स्तुति होनी चाहिए। ब्रह्मा भगवान के महिमा देखकर चकित थे कि वो अपने चार इतना चकित है कि वो अपने चारों सर से लोट लोट कर दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं नौमिद्या ते भ्रा वपुसे। नौमिद्या का माने होता है आपको नमस्कार करता हूँ। अगर कोई स्तुति के योग्य है तो वो आप ही हैं। और फिर भगवान के विशेषता बता रहे हैं, जिनका शरीर श्यामल मेघ की तरह है ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो बिजली की तरह चमकने वाले पीले वस्त्र पहने हैं ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, सांवला वर्ण है मेघ की तरह उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो अब किसको प्रणाम कर रहे हैं, सांवले और पीले वस्त्र तो भगवान राम और विष्णु भी पहनते हैं। तब ब्रह्मा जी विशेषता बता रहे हैं कि वो जिनके कानों में गुंजा के इयररिंग्स हैं, ये गुंजा क्या होता है, ये एक तरह का फल होता है जो वनों में मिलता है, और जिसके फल बिल्कुल मोती के रंग की तरह होते हैं, कुछ लाल और ब्लैक
कलर के होते हैं, कुछ पूरी तरह ब्लैक होते हैं, कुछ पूरी तरह लाल होते हैं और वो दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। तो हमारे कृष्ण कैसे हैं? वो सोने चांदी और इसमें नहीं है, वो माधुर्य रस में है। इसलिए जब वो वृंदावन में हैं तो वो माधुर्य रस में है और वो जिस चीज़ से भी श्रृंगार करते हैं तो वो वनों में मिलने वाली चीज़ें होती हैं। तो भगवान को ऐसे अपने डिवोटीज जो उनके सखा जो उन्होंने उनको सजाया है तो वो गुंजा की इयररिंग से सजाया, तो ये बस कृष्ण ही पहनते हैं। और जो मयूर पंख धारण करते हैं अपने मुकुट पर, जिसके कारण उनका मुख बहुत सुंदर लग रहा है, ये सब कृष्ण ही पहन सकते हैं। तो ये उनकी विशेषता है। और उन्होंने अपने मोरपंख का मुकुट कैसे बनाया? नए नए छोटे छोटे मोरपंख, जो मोरपंख अपने आप छोड़ देते हैं, उन्हें किसी हिंसा करके नहीं निकाला जाता, ऐसे पंखों को से उन्होंने मोरपंख अपने मुकुट में सजा रखा है, बहुत सारे छोटे छोटे और बीच में एक बड़ा सा पंख। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं लसन मुखाया। लसन मुखाया क्या होता है? लसन माने बहुत सुंदर मुख है प्रभु आपका, बारंबार प्रणाम करते हैं। वन में खिले हुए पुष्पों की और पत्तों की माला पहने हैं, एक माला नहीं पहने हैं, ढेर सारी माला पहने हैं कृष्ण भगवान, क्योंकि एक बाल ग्वाल नहीं है, उनके पास उनके अनगिनत सखाओं के साथ वो रोज जाते थे वन में गायों को चराने, तो अनगिनत ग्वाल बाल है, तो सब अपनी इच्छा पूरी करेंगे। तो सब ने अलग अलग तरह के पुष्प वनों से इकट्ठा करके उन्हें माला पहनाई है, उनके गलों में वन की माला है, बहुत सुंदर सुंदर फूल और पत्तों से सजा सजा कर हर एक ने माला बनाई है, और काना एक नहीं ढेर सारी माला पहने हैं। और फिर उनके चेहरे पर उन्होंने जो मिनरल्स होते हैं, जो मिट्टी के अलग अलग रंग की जो मिट्टी पाई जाती है वृंदावन में, उस मिट्टी से उन्होंने खूब सुंदर सुंदर चित्र भी बना रखे हैं कान्हा जी के चेहरे पर, माथे पर। और कान्हा जी किसी को रोकते नहीं है, जो जैसे चाहता है उन्हें वैसे सजाए जा रहा है, सजाते जाता है, किसी का दिल नहीं भरता कृष्ण को सजाने से। बाएं हाथ में कवल लिए हैं। कवल क्या होता है? एक मॉर्सल ऑफ फूड बोलते हैं ना हम, एक निवाला बोलते हैं। तो कृष्ण जब ढूंढने निकले थे तो वो खाना खा रहे बैठे थे, तो उनके हाथ में दही और चावल का एक कवर था, तो वो कवल लिए हुए भगवान ढूंढ रहे थे ग्वाल बालों को, तो उनके बाएं हाथ में कवल लिए हैं। भगवान को बैठकर खाने की फुर्सत ही नहीं, वो उसी तरह खाना का निवाला लेकर उठ जाते हैं, दही भात का कवल लिए और अपने जो ग्वाल बाल मित्र हैं उनके उनके जो गौ चुरा लिए थे ब्रह्मा जी ने, उसको ढूंढने निकल जाते हैं, ना खाते हैं और ना उसे हाथ से कहीं फेंकते हैं, बस उसको हाथ में पकड़े हुए हैं। तो एक हाथ में उनके बेट हैं, सिंह का बुगल है, वेणु लिए हुए हैं, तो जो सिंह का बुगल है उसको वो लाउडस्पीकर की तरह यूज़ करते हैं। इतने अनगिनत मित्र हैं, किसी को पुकारना होता है वो जंगल में, अगर कोई खो जाए तो उसे उस बुगल के थ्रू वो बुलाते हैं, जो जैसे लाउडस्पीकर का काम करता है वो, इस तरह वो अपने सखाओं को ढूंढते हैं। इन सब लक्षणों से युक्त ऐसे भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कृष्ण इसी कवल को लिए ही और भी सुंदर लग रहे थे, बिकॉज वो बस छोटे से 5 साल के बालक थे और हाथ में ऐसे भोजन पकड़े हुए और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। उनके छोटे छोटे चरण कमल बहुत सुंदर है, मृदु पद है, अतिशय सुकुमार चरणों वाले को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। पशुपालन करने वाले नंद महाराज के पुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्ण कोई बिजनेसमैन या राजा के पुत्र नहीं, वो साधारण से नंद महाराज जो गौओं को चराने वाले पशुपालन करने वाले उनके पुत्र हैं। कृष्ण को जब हम के उनके भक्तों के नाम के साथ जोड़कर पुकारते हैं तो हमारे कृष्ण बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कृष्ण इसलिए जब भी हम कृष्ण को बुलाते तो हम कहते हैं यशोदा नंदन, नंद नंदन, गोपाल गोपाल, गोपीनाथ, गोपाल यानी जो गाँव गयों का पालन करने वाला है, नंद तनुज, यशोदा नंदन, गोपीनाथ। तो इस तरह कृष्ण बहुत खुश होते हैं जब हम उनको उनके भक्तों के नाम से जोड़कर पुकारते हैं। हरे कृष्णा।